Students, my name is Pratap Monia and I am a student of class 8. Today's assembly will be conducted by class 8, so where it is? Today, we all are gathered here to celebrate World Ozone Day. जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज विश्व ओजोन दिवस है। तो चलिए ओजोन के बारे में कुछ जानते हैं। ओजोन पृथ्वी के वायुमंडल की प्रमुख गैसों में से एक है, जो हमारे वायुमंडल में मौजूद ओजोन परत का निर्माण करती है। यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक प्रकाश की किरणें अर्थात हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज को पृथ्वी पर आने से रोकती है। यह परत सूर्य से उत्सर्जित होने वाली परावैगनी किरणों का अवशोषण करती है अर्थात उन्हें एब्जॉर्ब कर लेती है, जिनके कारण मुख्य रूप से स्किन कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी हो सकती है। ओजोन की परत जीवन की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण परत है। इसी के साथ साथ वातावरण ओजोन की स्थिति पृथ्वी के मौसम और जलवायु को भी नियंत्रित करती है। हर साल 16 सितंबर को ओजोन परत के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए ओजोन दिवस मनाया जाता है। जैसा कि मेरे साथी प्रखर ने आपको बताया, ओजोन दिवस क्या है? तो ये जानते हैं ओजोन शब्द का अर्थ क्या है। जर्मन वैज्ञानिक क्रिश्चियन फ्रेडरिक श्योनबाइन ने 1839 में ओजोन गैस की खोज की थी। इसका रंग हल्का नीला होता है और इसमें तीव्र गंध आती है। इसकी तीखी विशेष गंध के कारण इसका नाम ग्रीक शब्द ओजिन से पड़ा है, जिसका अर्थ है सुनना। जैसा कि मेरे साथी चिराग ने आप सभी को बताया कि ओजोन शब्द का क्या अर्थ है, आइए अब मैं आपको बताती हूँ कि ओजोन में कौन सी गैस होती है। ओजोन अर्थात ओजोन पोत ही ऑक्सीजन के तीन परमाणुओं से मिलकर बनने वाली एक गैस है, जो वायुमंडल में बहुत कम मात्रा यानी 0.00004% में पाई जाती है। समुद्र तट से 30 से 32 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसकी सांद्रता अधिक होती है। यह तीखे गंध वाली अत्यंत विषैली गैस है। जैसा कि मेरे साथियों ने आपको बताया ओजोन दिवस के बारे में, ओजोन के अर्थ के बारे में और ये किस गैस में कौन से मिक्सर है इसके बारे में बताया, तो मैं अब आपको ओजोन परत के अभिक्षेपण के बारे में बताऊंगी। ओजोन परत का अभिक्षेपण मुख्य रूप से क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC के कारण होता है। पृथ्वी में बढ़ रहे प्रदूषण के कारण CFC जैसे रसायन हमारी सुरक्षात्मक परत को नष्ट कर रहे हैं, जिससे कई स्वास्थ्य नुकसान हो सकते हैं और कृषि एवं एक्वेटिक इकोसिस्टम तंत्र को नुकसान हो सकता है। जैसे कि मेरी दोस्त नेहा ने बताया पृथ्वी के ओजोन के अभिक्षेपण के बारे में, अब मैं आपको बताऊंगी ओजोन की खोज कब हुई थी। ओजोन एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला पदार्थ है, जिसे पहली बार 1839 में जर्मन के क्रिश्चियन गॉटफ्रिड शोनबीन द्वारा प्रयोगशाला में बनाया गया था। शोनबीन को कुछ रासायनिक और विद्युत प्रक्रियाओं द्वारा उत्पन्न गंध एवं उत्पत्ति खोज करने में रुचि थी। करती हूँ कि आप सभी को ओजोन दिवस एवं ओजोन परत के बारे में अच्छे से समझ आया होगा। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी कक्षा 8 से श्रुति और अंजलि को। अब हम आपको बताएंगे ओजोन गैस या परत को बचाना क्यों जरूरी है। पृथ्वी से करीब 20 से 40 किलोमीटर की दूरी पर ओजोन की परत होती है। ये गैस की हल्की परत होती है, यही वो सुरक्षा दीवार है जो सूरज से निकलने वाली खतरनाक किरणों से पृथ्वी पर ठहरने वाले इंसान और बाकी जीवों को बचाने का काम करती है। इसके सूरज से निकलने वाली खतरनाक अल्ट्रावायलेट किरणें सीधे पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती है। ओजोन परत की कमी होने के कारण मनुष्य सीधे सूर्य से हानिकारक परावैगनी किरणों के संपर्क में आ जाएगा, जिससे त्वचा रोग, कैंसर, सनबर्न, मोतियाबिंद जैसी बीमारी हो सकती है।
जानकारी मिली होगी। तो आइए अब चलते हैं ओजोन परत के निष्कर्ष की तरफ। जैसा कि ओजोन परत हमारे और हमारी पृथ्वी के लिए काफी प्रोटेक्टिव लेयर है, इसका संरक्षण भी हमारे ही उत्तरदायित्व में आता है। इसीलिए हमें ओजोन परत के बताए गए सारे उपायों को अपनाना चाहिए तथा अपना दूसरों को भी अपनाने के लिए जागरूक करना चाहिए। अपने पर्यावरण को अनुकूल बनाकर ही हम सोची बन सकते हैं। ओजोन परत के संरक्षण के लिए यह दिवस एक विशेष दिन है, जिसे हम पृथ्वी के ओजोन परत की रक्षा के लिए मनाते हैं। इसे विश्व ओजोन दिवस भी कहा जाता है। यह दिवस हर साल 16 सितंबर को पूरे विश्व में मनाया जाता है। ओजोन परत आकाश में एक ढाल की तरह है, जो हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से सुरक्षित रखती है। सबसे पहले मैं अपने सभी साथियों को बधाई देती हूँ कि उन्होंने आज के इस अवसर पर ओजोन परत के बारे में काफी कुछ बताया। आशा करती हूँ कि आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। जैसा कि आपने अपनी कक्षाओं में और मेरे साथियों के द्वारा काफी कुछ जाना होगा, तो मैं आपके लिए एक प्रश्न श्रृंखला लेकर आई हूँ, जिसके सही जवाब देने पर आपको उपहार दिए जाएंगे। तो क्या आप सभी तैयार हैं? पहला प्रश्न, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? दूसरा प्रश्न, ओजोन परत की मोटाई किसमें नापी जाती है? क्लोरो क्लोरो एंड
CS. हम सभी शपथ लें छात्र बालशेठ